हेलो एवरीवन, स्विंग ट्रेडिंग जसपाल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर ज़्यादातर हम लोग ब्रेकआउट स्टॉक लेके आते हैं, मगर आज हम लोग जो स्टॉक लेके आए हैं वो है आशीष कचोलिया साहब जी के 5 ऐसे स्टॉक जो अपने हाई से लगभग 70 से 75% डाउन चल रहे हैं, डिस्काउंट में मिल रहे हैं। तो क्या उसमें बाई बनता है, सेल बनता है, होल्ड बनता है, क्या बनता है, उसमें लोग डिस्कस करेंगे। मगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि जितने वीडियो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं सब लर्निंग पर्पस, एजुकेशन पर्पस से बनाते हैं, इसलिए एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, एक भी वीडियो मिस ना हो। तो इस सूची में जो सबसे पहला स्टॉक है उसका नाम है बेस्ट एग्रो लाइफ। करंट मार्केट प्राइस 500 रुपये के आसपास। सबसे पहले तो एक दिखाते हैं, एक 1780 रुपये की हाई लगाता है और आज ये 500 रुपये के आसपास है, यानी कि 70% डाउन। अभी इसकी पहले से अपनी जर्नी दिखाते हैं, कहाँ से इसकी जर्नी स्टार्ट होती है और क्या इसका परफॉर्मेंस रहता है। देखिए 2019 80 रुपये से इसकी जर्नी स्टार्ट होती है और यहाँ पे एक 270-80 रुपये का हाई, यानी कि यहाँ से अपने इन्वेस्टर का पैसा 3.5 गुना करता है ये मात्र 6 से 8 महीनों में। उसके बाद क्या होता है, ये 1 साल के लगभग साइडवेज हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर एक जर्नी बनती है 240 से लगभग लगभग 800 के आसपास, यानी कि 4x रिटर्न, तो काफ़ी शानदार रिटर्न देता है अपने इन्वेस्टरों का। फिर इस टॉप पे एक प्रॉफिट बुकिंग आती है और ये प्रॉफिट बुकिंग इसे कहाँ तक ले आती है, जहाँ से ये चलना स्टार्ट होता है लगभग लगभग 280 के लेवल तक ले आती है। यहाँ पे एक बायर फिर से इसे एक्यूमुलेट करते हैं और फिर एक यहाँ से एक अपमूव की जर्नी स्टार्ट होती है जो इसे लगभग लगभग 1400 रुपये के लेवल तक जाती है। काफ़ी शानदार रिटर्न, फिर से अगेन अपने इन्वेस्टर का पैसा 4 से 5 गुना करता है। फिर यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग बनती है 1400 के आसपास और ये टॉप जो पिछली बार इसने टॉप बनाया था 800 के, इसके आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेता है और यहाँ से फिर से इसे बाहर से उठा के कहाँ तक लेके जाते हैं, 1800 रुपये तक, यानी कि 2.5 गुना फिर से इन्वेस्टरों का पैसा बनता है। यहाँ तक ये चार्ट काफ़ी शानदार अपने इन्वेस्टर का रिटर्न दिया है। और उसके बाद से यहाँ से बाद यहाँ पे इसने अपने इन्वेस्टर को अभी तक नुकसान ही दिया है। अगर किसी ने यहाँ पे लिया है तो उसका 70% पैसा अभी डूब चुका है, किसी ने यहाँ लिया होगा उसका 60 हो चुका होगा, किसी का यहाँ 50-40, ऐसे करके अभी डाउन साइड में है। तो अभी इसमें कर क्या सकते हैं, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जिसका इसका जो जहाँ पे इसे रुकना चाहिए था, पहला लेवल तो इसका जहाँ पे 1400 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे एक टॉप बनाया था तो इसे यहाँ पे रुकना चाहिए था। यहाँ पे इसने कोशिश की थी यहाँ एक बार, मगर ये फेल हो जाता है। तो फिर इसके लिए जो सेकेंड जो इम्पोर्टेंट लेवल था वो एकदम यहाँ पे इसने काफ़ी समय बिताया था, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट लेवल था इसका 800-900 हज़ार रुपया। ये इस लेवल तक आता है, यहाँ पे एक बार कोशिश करता कि यहाँ से बाउंस बैक दे जाए, मगर कोशिश फेल होती है और यहाँ से ब्रेक डाउन होकर ये फिर इसका एक सपोर्ट जो जोन था वो ये वाला लेवल था लगभग लगभग ये 550 का, वो भी इसने तोड़ दिया है और मंथली कैंडल में भी इसने ब्रेकडाउन दे दिया है और उसके बाद अभी ये 500 रुपये के आसपास है। तो अभी कर क्या सकते कोई भी फंसा हुआ ऊपर से, देखिए बेचने में तो अभी तो समझदारी है नहीं, किसी का पैसा 70% डूब चुका है तो बेचने में कोई समझदारी नहीं सिवाय होल्ड करने के। अगर किसी ने यहाँ, इसलिए हमेशा मैं बोलते हैं मनी मैनेजमेंट के साथ स्टॉप लॉस के साथ आप काम करोगे तो आपको स्टॉक मार्केट रिवॉर्ड देगा, और अगर विदाउट स्टॉप लॉस के काम करोगे तो मार्केट ऐसे पनिश भी करता है। तो अभी इसमें जो फंसे हुए हैं वो होल्ड करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले तो डिस्क्लेमर दे देते हैं, ये किसी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन यहाँ नहीं होती है। कोई भी अच्छा स्टॉक लगे, पोस्ट लगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइज ले, कंसल्ट ले, उसके हिसाब से काम कर सकते हो। अभी इसमें आने वाले दिनों में हो क्या सकता है वो देखिए, यहाँ पे ये जो लेवल है ना 450 और ये एक लेवल है, ये लगभग लगभग 370 से लेके 350 तक का लेवल। अभी ये इस लेवल तक भी आ सकता है, आएगा ही आएगा ये नहीं बोल सकते, मगर इसका जो मैंने कैंडल की जो उसने पूरी तरीके से जो टूटा है यहाँ से, ये यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है। और यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे इसे इस जगह पे इसे यहाँ पे टाइम बिता दे, अगर यहाँ पे कोई भी मंथली कैंडल, अभी वीकली कैंडल है, अभी आपको दिखाते हैं मंथली कैंडल, ठीक है अभी मंथली कैंडल में आपको समझ में आएगा। ये मंथली कैंडल है, यहाँ पे कहीं पे भी इसे टाइम बिताए यहाँ पे, ठीक है बॉटम भी कहीं ना कहीं तो बनेगा इसका।
अगर ये यहाँ पे एक आध महीने दो महीने यहाँ पे बिताए, टाइम बिताए, यहाँ पे देखिए नीचे में भारी भरकम यहाँ पे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे सेलिंग आई है, इसलिए स्टॉक ये मंथली की ट्रेंड लाइन को भी इसने ब्रेक कर दिया है। अभी ये जो ट्रेंड लाइन है इसके लिए ये पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, अब ये ट्रेंड लाइन है इसके लिए कि रेसिस्टेंस का काम भी करेगा। तो अगर ये यहाँ पे कहीं पे भी अगर ये सपोर्ट ले और उसके बाद ये लगभग लगभग इस लेवल को यानी कि अभी की डेट के हिसाब से 580 के ऊपर कोई मंथली क्लोज देगा, तब जो भी ऊपर से फंसे हुए हैं वो इसे देख सकते हैं, अगर उन्हें ऐड करना होगा तो कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के मदद के बाद। तो ये स्टॉक था बेस्ट एग्रो लाइफ, इसका अभी डेली बेरिश है, वीकली बेरिश है, मंथली बेरिश है, यानी कि तीनों में ये बेरिश है। तो ये हो गया बेस्ट एग्रो लाइफ। अब सेकेंड स्टॉक जो है ये स्टोव क्राफ्ट, करंट मार्केट प्राइस 470 रुपया, अपने हाई से लगभग 65% टूट चुका है। ठीक है, यहाँ पे इसकी लिस्टिंग होती है 2021 में 450 के लेवल के आसपास, वहाँ से एक शानदार रैली देते हैं लगभग लगभग 1150 रुपये के आसपास तक। आने वाले कितने दिनों में, सिर्फ 6 से 8 महीनों में, एक साल में ये लगभग लगभग 3 गुना रिटर्न देता है। और वहाँ से जो प्रॉफिट बुकिंग चालू होती है, आज तक इसकी प्रॉफिट बुकिंग चली रही है, मगर इसमें ये तभी भी ठीक लगता है मुझे, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसने काफ़ी समय लिया था एक बार 450 के लेवल के आसपास, तो जब भी इस लेवल के आसपास जब भी आ रहा है तो बायर से एक्यूमुलेट करने के लिए सोच रहे हैं, अभी तक तो सोच रहे हैं इस लेवल। देखिए ये अभी इसके ट्रेंड लाइन जो है, ये वीकली का ट्रेंड लाइन है, ये वीकली का ट्रेंड लाइन को अभी तक तो सपोर्ट एक बार के लिए तोड़ा था अभी मार्केट में, जो मार्केट में आपको सभी को पता है कि भयानक बिकवाली आई थी तो इसने तोड़ा था, मगर ये अभी क्या करेगा, अभी ये देखिए ये हो गया इसका असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न बना है यहाँ पे, जिस दिन ये इस पैटर्न को ब्रेकआउट करेगा तो इसमें अपमूव आने के चांसेस हैं, जो इसे लगभग लगभग 600 रुपया और 700 रुपया तक के लेवल तक पहुंचा सकता है, मगर इसके लिए इसे समय लगेगा। अभी वीकली कैंडल इसके आप देख ली, मंथली कैंडल देखते हैं इसकी, मंथली कैंडल में क्या है, मंथली कैंडल भी इसकी बेरिश ही है, तो इसे आप देख सकते हैं। तीसरा स्टॉक लेके आए लावपाला का, ठीक है, देखिए लावपाला का मंथली कैंडल है, पहले वीकली में देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। देखिए ये स्टॉक जो है ना, ये अन्य स्टॉक की तरह कम पिटा है, अभी तक 35% डाउन है, 482 का एक हाई लगाता है और 310 रुपये के आसपास मिलता है, अभी आज की डेट में 310 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो अभी क्या कर सकते हैं, कोई भी ऊपर से फंसा है तो क्या कर सकता है वो देखते हैं। देखिए इसके लिए जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल है, यहाँ पे जब ये जो इसका टॉप था 2016 में 2018 में जो एक टॉप बनाया था 320-330 रुपये के आसपास, अब ये उस जोन में आ चुका है और इस जोन का लोअर एंड में आ चुका है अभी ये, यानी कि 300 रुपये के आसपास में। अगर ये जोन अगर ये तोड़ेगा तो नेक्स्ट जो इसके लिए सपोर्ट जोन होगा 270 रुपये से लेके 250 रुपये तक के लेवल है। तो देखिए वीकली में ये अभी बेरिश ही है, इसने वीकली की जो देखिए अब एक ट्रेंड लाइन थी हमेशा इस, अभी तक ये 2020 से इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा था और इस बार इसने ये ट्रेंड लाइन को भी तोड़ दिया है, तो अभी यही ट्रेंड लाइन इसके लिए अभी रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो अगर ये 270-280 के लेवल तक अगर आता है तो वहाँ पे ज़रूर इसे कोई एक्यूमुलेट करने के लिए सोचेगा। धीरे धीरे किसी भी स्टॉक में अभी आज की डेट में एक बार में पैसा नहीं डालना है किसी को भी। अब यहाँ पे क्या है, ये 240 रुपये से लेकर 260-270 तक ये बेस्ट बाइंग जोन रहेगी, अगर यहाँ पे मिलेगा तो इसे देख सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के मदद के बाद। उसके बाद का जो स्टॉक है उस पर नज़र डालते हैं, बारबेक्यू नेशन, करंट मार्केट प्राइस 545, अपने हाई से लगभग 72% टूट चुका है। अब इस पर क्या कर सकते हैं, देखिए ये वीकली कैंडल है, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनती है और वहाँ से जो इसकी प्रॉफिट बुकिंग चालू होती है, आज तक इसकी प्रॉफिट बुकिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज की डेट में 550 के आसपास, माने जहाँ पे ये चलना स्टार्ट होता है, जहाँ से इसकी लिस्टिंग होती है, लगभग लगभग उसी लिस्टिंग लेवल के आसपास पहुँच चुका है। अभी इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो लेवल रहेगा ना वो रहेगा आपका 490 रुपये का, 80 रुपये के आसपास।
ये लेवल अगर टूटता है तब तो फिर ये और बेरिश जोन में चला जाएगा। तो इसका जो क्या है वीकली अभी तक बेरिश है, डेली बेरिश है, मंथली बेरिश है। इसमें भी अगर किसी को कुछ ऊपर से लिया हुआ तो बेचने में तो अभी कोई समझदारी है नहीं, एक्यूमुलेट भी अभी ना करें जब तक कि ये कोई भी मंथली कैंडल 630 रुपये के ऊपर, 620 रुपये के ऊपर क्लोज ना दे। क्योंकि देखिए बॉटम होने का कोई इंडिकेशन अभी तक इसमें है नहीं, तो इसलिए इसे एक्यूमुलेट करने के लिए अभी कोई ना ही सोचे तो अच्छा है। क्योंकि अगर किसी ने यहाँ पे भी सोचा था कि इतना मान लीजिए 1800-1900 से गिर के ये मान लीजिए ये 1000 रुपये तक आता, किसी ने सोचा था कि अभी तो 50% डाउन हो चुका है और कितना ही टूटेगा, जिसने 1000 रुपये भी लिया उसका भी अभी सोच चुके हैं 500 रुपये, उसका भी 50% माइनस हो चुका है पैसा। इसलिए बॉटम होने का इंडिकेशन का इंतजार कीजिए और उसके बाद कोई भी ऊपर से फंसे तो अपनी एक छोटी मोटी की SIP, उस मोटी अकाउंट का जो भी आपने डाला है सिर्फ 2% 3% एक SIP कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के मदद के बाद। तो बारबिकोनेशन का चार्ट 72% डिस्काउंट पे मिल रहा है अपने हाई से। और जो एक है ये है HLE ग्लासकोट, ये स्टॉक भी अपने हाई से लगभग 70% टूट चुका है। देखिए ये 350 से चलता है, वन साइड रैली देता है 1500 तक, जबरदस्त इन्वेस्टरों का पैसा जिस हिसाब से बनाता है। अभी यहाँ पे टॉप पे किसी ने लिया है उसका पैसा इसने छीन भी लिया है। तो इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि मनी मैनेजमेंट प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ अगर आप मार्केट में रहोगे तभी आपको रिवॉर्ड मिलेगा, वरना आपको ऐसे पनिशमेंट भी मिलेगी। अभी कोई यहाँ पे इसने काफ़ी समय बिताया है यहाँ पे, ये 600 के आसपास 550 के आसपास ये अभी काफ़ी दिन से यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था इस लेवल पे, 520-30 के लेवल को काफ़ी दिन से सपोर्ट ले रहा था। मगर मार्केट में अभी जो गिरावट आई थी स्मॉल कैप इंडेक्स मिड कैप इंडेक्स में, फिर ये स्टॉक उस लेवल को भी तोड़ देता है जो कि काफ़ी दिन से ये माने रेजिस्टेंस यहाँ पे भाई ये ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था। अब यही लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो इसलिए कभी भी इसकी अभी जो कोई भी मंथली कैंडल जब तक 540 के ऊपर क्लोज ना हो तब तक इसमें एड ऑन ना ही करे तो अच्छा है। कुछ भी करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ज़रूर कंसल्ट करना है, उनसे राय लेना है, वो जैसा आपको कहेंगे उस हिसाब से आपको काम करना है। तो ये था, ये भी इसका वीकली मंथली डेली अभी तक इसका बेरिश है। तो ये जो 5 स्टॉक थे, बेस्ट एग्रो हो गया था आपका पहला, लावापोला दूसरा स्टॉक, स्टोव क्राफ्ट तीसरा स्टॉक, बारबिकोनेशन चौथा स्टॉक और HLE ग्लासकोट 5वां स्टॉक। तो ये 5 स्टॉक थे। देखिए जहाँ से चलना चालू हुआ है लगभग सभी अपने उस रेट पे पहुँच चुके हैं। तो अभी यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे इंडिकेशन का इंतज़ार करना है, कोई मंथली कैंडल यहाँ पे सपोर्ट ले रही है कि नहीं ले रही है। अगर सपोर्ट ले रही है तो आप इसमें धीरे धीरे एक्यूमुलेट करो अपने फाइनेंशियल की मदद से, होपफुली आपका पैसा रिकवर होगा और यहाँ से आपको अच्छे खासे रिटर्न दे के जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें, किसी भी स्टॉक के बारे में आपको जानना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद, जय हिंद।